बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह खिलते रहे, मुस्कराते। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे, खूबसूरत खूबसूरत क्यूट क्यूट से हैंड बैग लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कलर देखें, ऑरेंज कितना खूबसूरत कलर है, नहायती हसी। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे देख के, कितने प्यारे, कितनी अच्छी अच्छी चॉइस आपकी चॉइस के मुताबिक। जिन बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक है हैंड बैग का, कौन सी बच्ची ऐसी है मैं बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन सी बहुत जिसको शौक है बहुत ज़्यादा हैंड बैग का। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी बच्चियों को शौक है हैंड बैग का, किसी को नहीं, मामा को भी, दादों को भी, मामा को, पप्पो को, हर एक को हैंड बैग का शौक है, हर किसी का शौक है। मैं अपनी ज़रूरी सामान अपने हैंड बैग में रखूं, ताकि मेरा कोई सामान गुम ना हो। हर किसी का कोशिश होती है मेरा अपना अलग हो हैंड बैग, मेरे बैग में किसी दूसरे का सामान ना हो। जब सामान एक दूसरे का रखा जाए बैग में तो मुश्किल होती है, वो कहे मेरा ये सामान था, वो कहे मेरा नहीं। अपना अपना बैग ले, अपना अपना सामान रखें। हैंड बैगों ने तमाम लोगों की मुश्किलें आसान कर दी, इसलिए आसान कर दी क्योंकि हमारी ज़रूरी अशिया इधर उधर रुलती फिरती थी, कोई कहीं दराज में पड़ी, कहीं अलमारी में, अगर हमें एक चीज़ की ज़रूरत है ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते थे, मिलती नहीं थी। सारी मुश्किलें आसान हो गई, हैंड बैग को सामने किली पर टांगा और अपना ज़रूरी सामान रख दिया, ना फिक्र ना फाका ना कोई परेशानी। जब ज़रूरत हुई जब ही निकाल लिया, जब शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत हुई शनाख्ती कार्ड यूज़ कर लिया, जब एटीएम कार्ड की ज़रूरत हुई एटीएम कार्ड यूज़ कर लिया। तमाम ज़रूरी अशिया रख कर हम मार्केट भी जा सकते हैं, जब मार्केट जाने के लिए हम हाथ में उठाते हैं तो पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बन जाती है कि हैरान हो जाए देखने वाला। जब हम मार्केट पहुंचते हैं तो शॉप वाले देख के मार्केट वाले हैरान होते हैं कि बाजी आई आए आई बाजी, देख कर पर्सनैलिटी देख कर तो खुश होंगी कि ये ज़रूरी कोई बहुत सारी खरीदारी करेंगी, कोई बड़े घराने से आई हैं। हैंड बैग से बहुत सारी शख्सियतों में बहुत फ़र्क पड़ता है, हैंड बैग ना हो तो शख्सियत पे इतना असर पड़ता है, लगता है कि इसके पास कोई ज़रूरी सामान खरीदना ही नहीं, इसने ये वैसे ही बाज़ार में घूमने फिरने के लिए है। अगर हमने कुछ ख़रीदना नहीं भी है तो हमारे पास अगर बैग है, हैंड बैग है या पर्स है, उसको देख कर फिर भी दुकानदार कहेंगे आओ बाजी क्या चाहिए, तो इसलिए आपको हमारी बाइस और हैंड बैग और पर्स पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आज की बाइस और डिज़ाइनिंग कैसी लगी। गलती भूल चूक की माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी मांगना हमारा फ़र्ज है, माफ़ करना आपका काम है। हर एक से माफ़ी मांग लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। माफ़ी मांग कर आगे गुजर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर हमने माफ़ी नहीं मांगी आगे गुजर गए तो दिल में दुख रहेगा, हमने माफ़ी नहीं मांगी थी, शायद मेरी वजह से उनके दिल में कोई दुख है या तकलीफ है, नहीं मुश्किल अल्लाह।